भारत पाकिस्तान का बाद च बने 1947 पर ए वाली हद सदियां पुरानी है। पहला दो रियासतों की हद सी ते हुण दो मुल्कां दी। इधर बीकानेर रियासत सीगी ते तारोपार सी बहावलपुर रियासत ते ए हद हुण राजस्थान सूबे दी है भारत च ते तारोपार पाकिस्तान दे बहावलपुर दी हद है। पहला वांगर एक अजिही हद आख सकते हैं जिथे रियासतां वेले भी झगड़े झड़े हुंदे रहे ने ते हुण मुल्का वक्त भी। इत्थे ना तो कोई किला है ते ना ही कोई कोट, बस एक पिंड है, छोटा जिहा पिंड हिंदू मलकोट। बहुत पुराना पिंड है यह उस वक्त का जदों इत्थे बराण हुंदी सी, बंजर भूमि, पानी का तुपका भी नहीं सीगा। सादकी नहर तो आउंदा सी पानी उठा रही, अगे भी जांदा सीगा गंगानगर ते होर पिंडा वाल भी। उदो छोटा जिहा पिंड सी, पिंड औड़की। कुछ हाल तो उदो बनया जदों इत्थों रेलवे लाइन निकली, तीन रेल मार्ग निकले सी उदो, दिल्ली तो बहावलपुर जिहड़ा वाया बठिंडा आउंदा सी ओह गुजरदा सी हिंदू मलकोट तो। 1887 च व्यापार दा रिश्ता मजबूत हो गया, बहावलपुर, समासट्टा, कराची, लाहौर, पेशावर, कवेटा, इत्थों लैके अफगान, काबुल, कंधार तक वख-वख मोड़ां ते वख-वख जंक्शनां तों छोलियां दी खेती बड़ी हुंदी सी उस वक्त। उन्हें तां तारता छोलियां दी मंडी बन गई, कई व्यापारी कारीगर आ गए इत्थे, पगड़ी रंगन वाले तो लैके कई तरह के प्रोडक्ट इत्थों मद्रास तक जान लगे सी छोले। चंगा कारोबार निकलिया खैर ते मशहूर हो गई मंडी हिंदू मलकोट। वड्डे कारोबार नूं देखदिया मंडी नूं नगर पालिका बनाया गया, खूबसूरत ते खुशहाल मंडी। पर एक खुशी खेड़े वंड तक ही रहे ने ते फिर रेल गड्डियां दा पहिया रुक गया। कराची जांदी सी जिहड़ी, व्यापारी घाटे च आउण लगे, कई छड्ड गए अपना कारोबार ते कई होरना थावां ते आबाद हो गए। राजस्थान सरकार ने 1959 च नगर पालिका तोड़ती, पंचायत बन गई इत्थे। 1969 तक दिल्ली तो गड्डियां आईयां हिंदू मलकोट तक, उधरों पाकिस्तान ने बहावलपुर च रेल लाइन उखाड़ती ते इधर सुरक्षा दे कारणां करके रेलवे स्टेशन बंद हो गया। वैसे इहदा नां पहलां औड़की सीगा, तां फिर हिंदू मलकोट क्यों आखदे ने, लाजवाब तारीख है ये भी। वरके तां उदों दे फरोलने पैणगे जदों बीकानेर रियासत च अकाल पै गया सी, बड़े लोगों की मौत हुई सी उस वक्त 1899-1900 च। फिर रियासत दे महाराजा गंगा सिंह उन्हां बरतानिया अफसरां दे नाल सलाह मशवरा कीता कि क्यों ना पंजाब दे सतलुज नदी का पानी बीकानेर रियासत दे इलाके नूं मिले। 25 नवंबर 1902 नूं बरतानिया अफसर लॉर्ड कर्जन उन्होंने सहमति देती, पर बहावलपुर के नवाब ने डटवा विरोध किया कि वह अपने हिस्से का पानी तो जमीन नहीं देंगे। कानूनी लड़ाई लड़ी गई 18 साल लंबी, आखिर 4 सितंबर 1920 बीकानेर, बहावलपुर ते पंजाब दी रियासतां दे विच सतलुज घाटी समझौता होया। तीन पक्षी कानफ्रेंस हुई बीकानेर, बहावलपुर ते पंजाब च, बरतानिया अधिकारियों की विचोलगी ते हो गया समझौता, वह भी लिखती। इसे गंग कैनाल तो रोला पिया सीगा महाराजा गंगा सिंह ते बहावलपुर के नवाब का। इस दौरान ही
हिंदू मलकोट ना रख्या गया सी। ओ किवें? ओ इस तरह के दोवां रियासतां दी हदबंदी सही करन दी गल तुरी। उदों हिंदू मलकोट दी हद लग गई सी बहावलपुर रियासत दे, हदबंदी शुरू हो गई, किनारा सीगा हिंदू मलकोट। हद दी निगरानी लई रियासत दा वजीर भेजा गया हिंदू मल। उन्हां दा एक साथी सी लालगढ़ दा भोपा जैनी। दोवां दी सूझबूझ दे नाल 60,000 वर्ग मील दा खेतर हदबंदी च आ गया। की होया कि एक दिन हिंदू मल बीमार पै गया ते उहदी मौत हो गई। हदबंदी नक्शा महाराजे कोल पुज गया ते उन्हां भोपा राय नूं इनाम दिता कि उहदी एक पीढ़ी दा खुद कास्त वाली जमीन है जिहड़ी उहदा लगान माफ। हिंदू मल दी मौत तां हो चुकी सी ते उहनां दी याद दे विच पिंड दा नां रख दिता गया हिंदू मल कोट। कई जखर जिले ने इस पिंड ने जिन्हां नाल इह बेरौनक होया। पहला जखर ओह जिहड़ा 1947 च झुलिया, दूजा 1959 च जदों नगर पालिका तो एक पिंड बन गया, ते तीजा 1969 दा जदों दिल्ली तो आउंदी रेल गड्डी बंद हो गई। इन्हां झखड़ां च खिंड पुंड गए मल दे कोट ते बाकी रह गया एक छोटा जिहा पिंड हिंदू मल कोट।